इस वक्त हम आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपने एक दिवसीय दौरे के चलते रायबरेली पहुंच गए हैं। रायबरेली में पहुंचते सबसे पहले उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर स्थित बचत भवन में अधिकारियों के साथ बैठक ली है। हम आपको बता दें कि इस बैठक में मुख्य रूप से राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह, रायबरेली जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी, शिक्षक विधायक उमेश द्विवेदी व सलोन विधायक अशोक कोरी, सीडीओ प्रभात कुमार सहित तमाम आला अधिकारीगण उपस्थित हैं। जी हां, हम आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। डिप्टी सीएम रायबरेली पहुंच चुके हैं और लगातार उनके कार्यक्रम लगे हुए हैं। इसी के चलते आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रायबरेली पहुंचे हैं। हम आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री जी लखनऊ से आगमन के बाद आज रायबरेली पहुंचे। उसमें उन्होंने विकास कार्यों को लेकर के बचत भवन में समीक्षा बैठक कर रहे हैं। तत्पश्चात जनपद के विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। इस वक्त हम आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपने एक दिवसीय दौरे के चलते रायबरेली पहुंच गए हैं। रायबरेली में पहुंचते सबसे पहले उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर स्थित बचत भवन में अधिकारियों के साथ बैठक ली है। हम आपको बता दें कि इस बैठक में मुख्य रूप से राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह, रायबरेली जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी, शिक्षक विधायक उमेश द्विवेदी व सलोन विधायक अशोक कोरी, सीडीओ प्रभात कुमार सहित तमाम आला अधिकारीगण उपस्थित हैं। जी हां, हम आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। डिप्टी सीएम रायबरेली पहुंच चुके हैं और लगातार उनके कार्यक्रम लगे हुए हैं। इसी के चलते आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रायबरेली पहुंचे हैं। हम आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री जी लखनऊ से आगमन के बाद आज रायबरेली पहुंचे। उसमें उन्होंने विकास कार्यों को लेकर के बचत भवन में समीक्षा बैठक कर रहे हैं। तत्पश्चात जनपद के विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। SAV News के लिए मैं गौरव द्विवेदी, रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव व वरुण वाजपेयी के साथ।